आपके साथ इस फोरम पर एक तवील अरसे के बाद इंटरेक्शन हो रहा है और गालिबन ये एक 7 साल का वक्फा है कि आज मैं यहाँ इसी कमरे में आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरा फॉरेन ऑफिस में इट वाज माय सेकंड वर्किंग डे, हलफ लिया आए और फिर ईद की छुट्टियाँ आ गई। वजीर आजम तशरीफ लाए थे आज फॉरेन ऑफिस, उनकी ख्वाहिश थी और हमारी आरजू थी कि वो तशरीफ लाएं और हम उन्हें एक ओवरव्यू दें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे आने वाले दिनों के चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और फॉरेन ऑफिस तशरीफ लाए। मैंने, फॉरेन सेक्रेटरी ने, हमने फॉरेन ऑफिस का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत पे पेश किया। एक चीज़ मैं आगाज़ में कह देना चाहता हूँ कि मैं 7 साल के वक्फे में के बाद आया हूँ और एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि दुनिया बदल चुकी है। जो दुनिया में छोड़ के गया था, आज की दुनिया उससे खासी मुख्तलिफ है। रीअलाइनमेंट्स हो चुकी हैं और हमें उन रीअलाइनमेंट्स को समझना है। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट एट इट यूज्ड टू बी, और उसकी कई वजूहात हैं, तफसीलात का ये वक्त नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं उनकी खिदमत में पेश किए, एक ओवरव्यू दिया, और एक चीज बड़ी वाज़े है कि इंशाल्लाह एक मुअस्सर पाकिस्तान की तर्जुमानी की जाएगी और एक मुअस्सर और ठोस अंदाज से पाकिस्तान का इंशाल्लाह नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। और उसके पेश करने में पहली जो ज़रूरत दरकार है वो ये है कि पाकिस्तान के जितने इदारे हैं दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज। तो इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग और कंसेंसस जो है वो बहुत मेरी नज़र में अहमियत अख्तियार कर गया है आज के इन नए हालात को सामने रखते हुए, और इंशाल्लाह ये करने का हम इरादा रखते हैं ताकि यकसुई से और यक जबां होकर पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया के सामने जाए। जो आज हमने फॉरेन पॉलिसी की जो हमारी सिंत और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मैं मुख्तसर से नुक्ते आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमारी जरूरत अमन है, और रीजनल अमन भी है। हमें तरक्की करनी है और बढ़ना है तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्लैरिटी आनी चाहिए। अमन हमारी जरूरत है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, स्टेबिलिटी हमारी जरूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें दरकार है अगर हमने पाकिस्तान की शहरी की जिंदगी बेहतर करनी है। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं एंड दे शिफ्टिंग ईस्टवर्ड्स। ये भी नुक्ता काबिल गौर है। दुनिया जो तकरीबन यूनिपोलर हो गई थी आज फिर मल्टीपोलर होती चली जा रही है, और यूनिपोलर दुनिया के तकाजे अपने और मल्टीपोलर दुनिया की जरूरियात अपनी हैं, ये भी समझने की जरूरत है। जो पोस्ट
वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो एक लिबरल ऑर्डर इन प्लेस आया था, वो आज अंडर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। राइजिंग इस्लामोफोबिया, ये एक नई सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं, और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो है वो भी आपने मुलाहिजा किया होगा, आप रिपोर्ट करते हैं कि ये भी एक जन्म ले रहा है, और इसने वेस्ट की और यूरोपियन ममालिक की सियासत पर गहरे असरात छोड़े हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की कैफियत आपसे पोशीदा नहीं है। मज़ाकरात में एक तातुल था, है, और हमने देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, वी आर नॉट शाय, वी आर नॉट शाय ऑफ एंगेजमेंट, और जो प्राइम मिनिस्टर का पहला खिताब था 26 मई का, उन्होंने बड़ा वाजे कहा, एक कदम बढ़ोगे दो कदम बढ़ाएंगे, और मैंने भी अपने पहले आपके जो आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ था, पॉजिटिव सिग्नलिंग हमने की। मैं शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर, उनका मुझे खत मौसूल हुआ है, मुझे मुबारकबाद पेश की है, लेकिन वो कहते हैं ना, यू नीड टू टू टैंगो, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। लेकिन पाकिस्तान का रवैया मुस्बत है, माजरत खाहाना ना था ना है ना होगा, मुस्बत होगा। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां का अमन और इस्तेहकाम हमारे अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। और वहां एक पीस प्रोसेस का सदर अशरफ गनी साहब ने एक बड़ा मुस्बत सा आगाज और इशारा दिया है, तो देखना यह है कि पाकिस्तान उसमें किस तरह मददगार और मावन बन सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है वो आपसे पोशीदा नहीं है, किसी हद तक मैं भी आगाह हूं, और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी भी है, हमारा उनके साथ एक लंबा बॉर्डर है, और हम एक पीसफुल स्टेबल बॉर्डर के ख्वाहिशमंद हैं। मुझे पैगाम आया ईरान के वजीर खारजा का, मैं शुक्रगुजार हूं, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं, और उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो 30 और 31 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं। तो मैं आज की इस नशिस्त में ईरान के वजीर खारजा को खुशामदीद कहता हूं। सीपैक एक अहम पेशरफ्त है, और आज हमने उसको भी डिस्कस किया कि इससे हम ज्यादा से ज्यादा
किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं ताकि बायलैटरली भी और रीजनली भी ये जो एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे खित्ते के मफाद में हो, हमारे दोनों ममालिक के मफाद में हो। SCO जिसका पाकिस्तान मेंबर हो चुका है, उस पर बेपनाह अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने तलाश करनी है कि वो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और किस तरह पाकिस्तान उनसे मुस्तफीद हो सकता है। चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो मिसाली है और रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि चीन के वजीर खारजा इंशाअल्लाह 8 और 9 सितंबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मुझे इश्तियाक है उनसे मिलने का और जब मिल बैठेंगे तो मजीद जो हमारे मामलात आगे बढ़े हैं उन पर नज़र भी दौड़ाएंगे और देखेंगे कि उनमें मजीद वुस्सत और गहराई कैसे पैदा की जा सकती है। सार्क मेरी नजर में एक इंपॉर्टेंट फोरम है और हम और पाकिस्तान समझता है कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये एक अच्छा फोरम है, एक अच्छा व्हीकल है। बदकिस्मती से हम इससे वो फायदा नहीं उठा सके जो हमें उठाना चाहिए। बहरहाल इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी ख्वाहिश होगी इसको फाल किया जाए। अमेरिका और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत से कोई गाफिल नहीं है। हमारी एक तवील बायलैटरल रिलेशनशिप रही है, उसमें उतार चढ़ाव भी रहा है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के हालात में और आज वजीर आजम की खिदमत में भी यह गुजारिश की गई कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को वापस उस सतह पे लाने के लिए अफगानिस्तान और उनकी जो वहां की जरूरियात हैं उनको समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि उनकी मौजूदगी भी है और बेपनाह इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात को वुस्सत देना चाहते हैं तो फिर अफगानिस्तान की अहमियत और जो उनके अफगानिस्तान की जो जरूरियात हैं उनको हमें समझना होगा और जो हमारे तकाजे हैं वो हमें उन्हें समझाने होंगे। और यहां मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि 5 सितंबर को सेक्रेटरी पोम्पियो इस्लामाबाद उनकी आमद मुतवक्के है और मैं समझता हूं कि शुरू में ये नई हुकूमत जो मार्ज़े वजूद में आई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, उनके साथ ये अर्ली इंटरेक्शन जो है मुफीद साबित हो सकता है। तो मैं उनका मुंतज़िर हूँ और इंशाअल्लाह जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो मज़ीद उनसे गुफ्तगुशुदीद होगी। यूरोपियन यूनियन में न सिर्फ पाकिस्तान की बेपनाह हमारा डायस्पोरा है, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, वहाँ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मुझे याद है पिछली मरतबा जब मैं वज़ीर ख़ारजा था
तो जीएसपी प्लस के लिए हमने खासी तगड़ो की और ब्रसल्स में मेरे खासे दौरे भी हुए और बिलाखिर हमें उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन मुझे यह एतराफ करना पड़ेगा कि हम उससे उस तरह मुस्तफीद नहीं हो सके जिस तरह हमें होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस होंगे तो एक्सपोर्ट होगी। बदकिस्मती से हमारे एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस ही महदूद हो गए और वो जो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हम शायद उसको उस अंदाज में इस्तेमाल न कर सके जिस अंदाज में हमें करना चाहिए था। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर मुझे एतराफ करना होगा कि हम माजी में वो तवज्जो नहीं दे सके जो हमें देनी चाहिए थी, और आज वहां बेपना अपॉर्चुनिटीज है। और अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी है, अपनी बरामदात को बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली वहां बेपना मार्केट्स हैं जिस पे हमारी क्वालिटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खपाई जा सकती हैं। तो हमें इस कॉन्टिनेंट की तरफ मेरी नजर में तवज्जो देने की जरूरत है जो हम माजी में नहीं दे सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपके सामने है, हमसे पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पहले भी रहा है, और हमसे तवक्को की जा रही है कि हम प्रोग्रेस करें और हमारी साबका फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने इस पे खासा काम भी किया है, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में उनसे आगाही हासिल करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है और हमें मजीद क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पेशरफ्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए कि उसके जो असरात हैं, जो मनफी असरात हैं, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 की लिस्टिंग के इश्यूज हैं, उस पर भी हमने नज़र दौड़ाई और वज़ीरे आज़म को आगाह किया। और फिर पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है बाहर, तकरीबन 9.2 मिलियन का एस्टिमेट है, और ये बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी हैं, और आज इनमें एक नई खुशी की लहर है क्योंकि एक उनका दरीना मुतालबा राइट टू वोट का, हमारी ख्वाहिश, हमारी पिटिशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो इंशाअल्लाह हकीकत का रूप धार रही है, और उससे उन्हें एक एहसास शमूलियत भी मिलेगा, और वाकईतन जो पाकिस्तान की मईशत पे कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी रिमिटेंसेस के जरिए, उनकी आवाज मजीद बढ़ जाएगी, और वो पाकिस्तानी हैं जो दूर रहकर भी पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि उन पाकिस्तानियों की खिदमत में न सिर्फ हाजिर हुआ जाए, उन्हें पाकिस्तान की मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो पाकिस्तान के लिए लॉबी करें। पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं, हमारी माली कैफियत, माशी कैफियत आपसे छुपी हुई नहीं है, तो इस कफायत शारी के आलम में और इन माली मुश्किलात में जहां हमारे पास बजट लिमिटेशंस भी हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उनके दरवाजे पर दस्तक दूं और उन्हें कहूं कि आइए हमारे मावन मददगार बन जाएं,
हमारा बोझ बांटें, अपने मुल्क का बोझ बांटें। उनमें से बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत इज्जत और बड़ी कामयाबियां दी हैं और हमें उन पर फख्र है, फख्र है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने इंटरेक्शंस में उनको इज्जत भी दूं और उनको अहमियत भी दूं और उनकी एक्सपर्टीज से पाकिस्तान मुस्तफीद हो। फॉरेन ऑफिस जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की, इसका स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाजे कहा कि मैं इस इदारे को और इस महकमे को पहले से ज्यादा मुअस्सर और पहले से ज्यादा फाल देखना चाहता हूं। तभी आपने देखा कि सबसे पहला उनका जो दौरा था वो फॉरेन ऑफिस का था। तो ये भी एक बड़ा वाज़े मैसेज है कि ये हुकूमत फॉरेन पॉलिसी को इंशाल्लाह और अपने इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को न सिर्फ सीरियसली लेगी, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। इमेज बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग आपसे बेहतर कौन जानता है, आपका तो फन है। और यहां हमने देखना है कि कम्युनिकेशंस और मीडिया के साथ हम अपने स्पोक्समैन के ऑफिस को हम किस तरह ज्यादा फाल कर सकते हैं ताकि आपका और इनका और आपका और इस दफ्तर का जो है जो 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 कांटेक्ट है और जो कम्युनिकेशन है और उसके जरिए जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। देखिए दुनिया जहान में, और आपका अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल इतना वाइब्रेंट भी है और इतना आज़ाद भी है जो किसी दुनिया के किसी मीडिया से कम नहीं है, लेकिन मेरा माजी का तजर्बा यह है कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर जो नेशनल मीडिया होता है वो कौमी नुक्ता नजर को अहमियत देता है। और मेरा माजी का तजर्बा कहता है कि जो साउथ ब्लॉक है इंडिया का, साउथ ब्लॉक के साथ बेपनाह तावन करता है हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान की नैरेटिव बिल्डिंग में। मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आप हमारी मदद भी फरमाएं और रहनुमाई भी फरमाएं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक और जो उनकी ऑस्टेरिटी ड्राइव है उसको सामने रखते हुए फैसला किया है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं 5-स्टार होटल्स में नहीं ठहरूंगा। मेरी कोशिश होगी कि हमारी जो एम्बेसीज हैं अगर वहीं कोई जगह मिल जाए तो मैं उसको तरजीह दूंगा। हाँ कहीं दिक्कत है तो देखेंगे, लेकिन जहां हमारी एम्बेसीज में गुंजाइश है तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि पैसा बचाया जाए और एक आध रात कहीं दो रातें कभी। हाँ यूएनजीए का ज़रा स्टे लंबा होता है तो अपने जो हमारे मिशन्स हैं और हमारे जो वहाँ सफीर हैं उन्हें ज़हमत दी जाए और कौमी ख़जाने पर बोझ कम डाला जाए। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को कानूनन ये अख्तियार है, 5-6 लोगों को है कि वो फर्स्ट क्लास ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन कफायतचारी को सामने रखते हुए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक और पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक फर्स्ट क्लास ट्रेवल नहीं करूंगा और बिजनेस क्लास ट्रेवल को तरजीह दूंगा।
باہر کا سفر کام کی ضرورت ہے. کوشش یہ ہوگی کہ بے جا بڑے ڈیلیگیشنز نہ بنائے جائیں اور ڈیلیگیشنز کو محدود کیا جائے, انٹوراش لمیٹڈ ہونا چاہیے. آج یہ بھی فیصلہ ہوا ہے اور آج بہت سے فیصلے ہوئے ہیں, میں کابینہ کی میٹنگ سے ابھی لوٹا ہوں, آپ کی ابھی میٹنگ جاری ہے, لیکن کیونکہ آپ کو 5 بجے کا ٹائم دیا تھا تو میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی اور انہیں اجازت دی مجھے یہاں آنے کی, لیکن آج ابھی ہمارے منسٹر آف انفارمیشن جو ہیں وہ میڈیا سے انگیج کریں گے اور آج جو کابینہ کے اہم فیصلے ہوئے آپ سے آگاہ وہ کریں گے میڈیا کو. لیکن ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جو ان نیسیسری ٹریول ابراڈ ہے اسے کرٹیل کیا جائے. ہمارے پاس فورن ایکسچینج جتنا ہم بچا سکتے ہیں ہمیں بچانا چاہیے. اب سے کوئی منسٹر یا سیکرٹری باہر ٹریول وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر نہیں کر پائے گا. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اس سے تو حکومت کا پیسہ تو استعمال نہیں ہو رہا, یہ تو فلاں سے فلاں فنڈ سے آیا ہے پیسہ, فلاں فنڈ کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں. نہیں, ہماری خواہش ہوگی کہ اسے بھی جس حد تک اوائڈ کیا جا سکے کیا جائے. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے باہر جانا کوئی جرم نہیں ہے, اس پہ کوئی عہد نہیں ہے. دیکھنا جو ایویلیویٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس دورے سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا. اگر وہ دورہ پاکستان کے مفاد میں ہے, پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے لیے ضروری ہے تو ضرور ہو, ضرور ہو, ہونا چاہیے اور ہوگا, یقیناً ہوگا. لیکن اگر بلا وجہ ہے اور کوئی جنکٹ ہے تو جنکٹس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور آخری بات جس میں آپ کو یقیناً تجسس ہوگا اور وہ ہے سیکرٹری پومپیو اور وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو جو ٹیلی فون کے ذریعے ہوئی. اس پر ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب نے پاکستان کا موقف پیش کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فون کال پر, جس میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا, وہ حقیقت کے برعکس ہے, وہ حقیقت کے برعکس ہے. کیونکہ جب میں ملتان میں تھا اور فورن سیکرٹری سے مجھے شی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو می ارجنٹلی, اور میں ایک جلسے میں تھا تو میں نے پاز کیا, ان کی بات سنی, اینڈ آئی سیڈ یس وی مسٹ ایشو این امیڈیٹ کلیریفیکیشن. پہلے تصدیق کر لیجیے, تسلی کر لیجیے. اور تصدیق کیا, وہ تو کال کے درمیان موجود تھی, شی واز دیئر. تو باہر رہو, میں یس کرنا چاہوں گا, یہ جو تاثر سامنے آیا ہے اور جس پر ان کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے, اس میں جو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیررسٹ آپریٹنگ ان پاکستان کا تذکرہ, یہ حقیقت کے برعکس ہے. اور میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں, بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. باہر رہو, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو گفتگو ہوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ میں اور وزیر اعظم پاکستان میں, یو ول بی سرپرائز ٹو نو, بہت اچھی ہوئی. انہوں نے وزیر اعظم کو نہ صرف مبارکباد دی, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں, وہ ایک پروڈکٹیو
बायलैटरल रिलेशनशिप चाहते हैं और हमारे जहां जहां कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं हमने उनको सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी आपकी इस नशिस्त के बाद एम्बेसडर डेविड हेल तशरीफ ला रहे हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पर तशरीफ जा रहे हैं एंड ही विल बी द थर्ड सीनियर मोस्ट डिप्लोमैट इन द स्टेट डिपार्टमेंट। ही विल बी वर्किंग क्लोजली विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यकीनन जब सेक्रेटरी आएंगे तो शायद वो उनके साथ यकीनन होंगे, मैं टॉक को कर रहा होंगे, और वो यहाँ की चीज़ों को बगौर देखते रहे हैं। मेरी उनसे भी बात होगी और इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी पोम्पियो टू एंगेज विद हिम फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी एंड लुक एट एरियाज वेयर बोथ कंट्रीज स्टैंड थ्रू कोऑपरेशन स्टैंड टू गेन। थैंक यू एक और भी अर्ज कर दूं, मुझे अभी बताया मुझे बिल मिल जापान के वजीर खारजा ने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है और अगस्त के एंड में उनका दौरा भी मुतवक्के है। एक एक करके जी, एक 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 प्लीज प्लीज वन बाय वन, एक मिनट प्लीज प्लीज एक मिनट, सबको मौका मिल जाएगा प्लीज। देखिए डेकोरम को खातून से शुरू करेंगे राष्ट्र सियाल साहब। थैंक यू सर। राष्ट्र सियाल अब तक न्यूज़ से। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि कुलभूषण यादव केस के हवाले से गुज़श्ता रोज आपने मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इंशाल्लाह इस केस को जीतेंगे, आप क्या समझते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इस केस को जिस तरीके से आईसीजे ने प्रेजेंट किया, आप उससे मुतमईन हैं और क्या चेंज आपकी गवर्नमेंट आएगी? सेकेंडली लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले तीन साल से मुसलसल सूरत हाल कशीदा रही है। आपने जब मीडिया से लास्ट बात की तो आपने हिंदुस्तान को अमन का पैगाम दिया, लेकिन आपकी स्टेटमेंट के फौरी बाद वहां से इस बयान को तब्दील की गई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुजाकरात के हवाले से कोई दावत नहीं की है, आपको जो खत लिखा है, ऐसे माहौल में आप क्या समझते हैं किस तरीके से? देखिए पहली बात मोहतरमा, मैंने ये नहीं कहा कि हम केस जीतेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी कई दफ़ा रिपोर्टिंग में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैंने कहा हम अपना मौकफ जो ठोस है मौसर तरीके से पेश करेंगे। कोर्ट के फैसलों का मैं कैसे जजमेंट दे सकता, मैं कैसे फैसला, मेरे पास ही कौन सा अख्तियार है कि मैं उसके बारे में एक राय दे दूं जब एक सब्जुडिस मैटर है? हरगिज मैं ऐसा न मैंने कहा और ना ये मुझे कोई ऐसी गलत फहमी है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हिंदुस्तान के साथ बात की हुई और जिस पे हिंदुस्तान ने फौरन कहा कि हमने तो कोई डायलॉग की ऑफर नहीं की, देखिए मैंने क्या कहा, आप जरा गौर कीजिए, आपके पास फुटेज मौजूद होगी, यही दफ्तर खारजा में मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के वजीर खारजा से ये सवाल उठाता हूं कि हमारे पास डायलॉग के अलावा कोई और ऑप्शन है? मेरी नजर में तो नहीं है। दो पड़ोसी हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, एटॉमिक पाज हैं, रिएक्शन टाइम लिमिटेड है, व्हाट्स द सेंसिबल वे आउट, व्हाट शुड बी द कोर्स? मेरी नजर में पेचीदा मसाइल होते हैं, उसे कतराते नहीं हैं, बात करते हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि कोई इनकलाब बरपा हो जाएगा, कोई आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन पेशरफ्त हो ना हो, कम हो, गुफ्तगू तो हो, और जब गुफ्तगू होती है तो उससे भी उसमें चाहे प्रोग्रेस कम या ज्यादा हो माहौल साजगार होता है। और अगर आपने पेशरफ्त करनी है
तो उसके लिए पहली बात तो ये है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो क्रिएट कीजिए। जब एनवायरनमेंट ही इनेबलिंग नहीं होगी तो पेशरफ्त तो फिर कुजा। देखिए कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि ये कोर इश्यू है, ये तो है और था और रहेगा। देखिए इश्यूज और भी जन्म ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद है वजीर आजम मनमोहन सिंह थे और मैं दिल्ली गया और उनसे नशिस्त हुई, तब जो हमारे फिर फॉरेन सेक्रेटरी हुए एजाज तो मेरे साथ थे, ही वाज डीजी साउथ एशिया, आपकी जगह पर थे, तो वहां मैंने उनकी खिदमत में एक इशू खड़ा किया, वो पानी का था। और मैंने कहा वजीर आजम आज तो हम एक बड़े नैरो अंदाज में बागलियार और चंद प्रोजेक्ट्स के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारा खित्ता जो कि सेमी एरिड है वहां फ्रॉम एफ्लुएंस टू स्कैस्टी की तरफ बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में एक चैलेंज बन जाएगा, हमें इसे फ्लैग करना चाहिए और इसके बारे में हमें सोचना होगा। ऑब्वियसली दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, और आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी भी है और फिर इसमें जो पेचीदगियां आपके सामने आई पिछले दिनों में वो भी आपके सामने हैं, तो ये इश्यूज हैं। हम इनमें इंशाल्लाह मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर है पेश करने की कोशिश करेंगे। जी जनाब, बड़ी खुशहाल बात है कि अमेरिका, जापान, ईरान, बाकी भी जो हमारे चीन चीन पाकिस्तान आ गए हैं, क्या वजह है कि खान साहब ने वादे बात भी की है इंडिया के साथ, आए बैठे नेटवर्क पे बात करें, वहां से कोई नहीं रहेंगी? और क्या आप समझते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर देखिए बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो यूएनजीए का इजलास होता है वो बेपनाह अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। आप जाते हैं, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, आप इंगेज करते हैं, तबादला ख्याल होता है और पेशरफ के इम्कान उससे पैदा होते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त जो अपने जो वो समझते हैं कि इस वक्त जो उनका चैलेंज है वो बेपनाह इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस से वो दो चार हैं, और आपने देखा कि वो उन्होंने ईद की छुट्टियां भी नहीं की, उन्होंने ईद की छुट्टियों में भी काम किया है, और आज भी उनका बड़ा वाज़े काबीना के वज़रा से ये दरख्वास्त थी कि हमें तो हमसे तवक्कुआत हैं, कौम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। देखिए निस्बतन एक नई जमात वो आती है और उसको इंट्रेंच पार्टीज के मुकाबले में 1,68,00,000 वोट मिल जाता है, तो देयर इज अ मैसेज इन दैट, देयर आर एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड टू दैट। हम उससे गाफिल नहीं हैं और हम इससे भी काफिल नहीं है, और जिस तरह आप चीजों को प्रोब कर रहे हैं हमें अंदाजा है कि कितना मामलात कितने पेचीदा हैं और मामलात में व्हाट द एग्जैक्ट पोजीशन इज, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। अनकरीब हमारे वजीर खजाना वो आपको आगाह करेंगे कि हम कहां ठहरे, हम कहां खड़े हैं। मिसाल के तौर पर पिछली हुकूमत के कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स थे, मेगा प्रोजेक्ट्स थे, ऑरेंज लाइन का है, मेट्रोस का है, ये वो उम्दा, लेकिन हमें देखना है कि उसकी लायबिलिटीज क्या है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, और उसका प्रोजेक्ट तो बन गया,
उसकी जो सब्सिडी है और जो खसारा है वो कौन देगा? भैया आप देंगे, पाकिस्तान का टैक्स पेयर देगा। ये चीजें सारी देखनी है। इन चीजों को, इस तनाजुर में चीजों को जब देखना चाहते हैं तो वो समझते हैं कि वो इस पर उनकी ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त यहां दें। लेकिन ये दोनों चीजों को देखते हुए, डोमेस्टिक जो उनकी जो मसरूफियात हैं, चैलेंजेस हैं, और जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको हम वे करके इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक वी विल टेक अ डिसीजन। जनाब आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आ रहे हैं हुजूर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आई एम अदर पार्ट ऑफ पब्लिक रिलीजन। सर सर दिस इज विद रेफरेंस टू योर एंगेजमेंट विद द केटेकर्स। एज यू हैव जस्ट मेंशनड दैट आई एम गोइंग टू कंसल्ट विद डॉक्टर शाह अख्तर। सर सर 2 weeks बैक व्हेन यू वर बिजी मेकिंग द गवर्नमेंट while talking to media, the caretaker for Minister, Mr. Abdullah Hussain Haroon, categorically said that Pakistan will have to say goodbye to American aid. I just want to have your comments on your friend, Mr. Abdullah Haroon. And sir, if you are going to accept his advice, what will be the other options you have left other than America? हुसैन हारून साहब के साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं वजीर खारजा था तो ये पीआर थे न्यूयॉर्क में, वहाँ हमारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मेरा उनके साथ अच्छी याद अल्लाह है ताल्लुक है, तो मैं उनसे मिला भी हूँ। बिल्कुल है, यकीनन है। अब उनका व्यू है और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर हम गौर कर रहे हैं। हमारे वजीर खजाना, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा मौजू और मुनासिब शख्सियत होंगे कि इसके बारे में वो आपसे गुफ्तगू फरमाएं कि हमें मुस्तकबिल, हमारे जो माली हालात हैं, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारी इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स का फुकदान है, और जो हमारी राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी लेवल है, इससे, इस पर गलबा पाने के लिए क्या किया जाए? मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो अभी उन्होंने फैसला करना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री से ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और अदाद व शुमार और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में वो आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और हमने क्या डायरेक्शन और क्या सिमत लेनी है। वो पीछे जी, खातून वो पीछे, खातून है जी पीछे। बारी बारी हो गया ना सबको, तो नहीं बारी बारी इंतजार। And Mark Nagin. Sir, first of all, congratulations to you. Sir, my question ye tha ke when you enjoyed the briefing with the PM, was there any discussion regarding the Pakistan's participation to Moscow conference on Afghan region behind Afghan peace on 4th September? As USA, UK and Afghanistan तालिबान को बुलाया था। बीबी 4 सितंबर आपने कहा, 4 सितंबर को आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि हमारा सदारती इंतखाब है पाकिस्तान में, और वजीर आजम भी वोटर है और मैं भी वोटर हूं, और हमने किसी उम्मीदवार को वोट भी देना है जी, और मुकाबला भी सख्त है ऑफिशियल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन। वो पीछे जी, आपने जो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन में अथवा उतार चढ़ा रहता है, उसमें एक पॉइंट आपने क्लियर किया कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका के जरूरियात को ना समझना था, और आज आपने सजेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को कि हमें अमेरिका के जरूरियात को अफगानिस्तान में समझना होगा। इफ वी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, अमेरिका को फिर जो पाकिस्तान के वसाइल हैं उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है, हमें उनकी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें समझना चाहिए और उन्हें
जो हमारी जरूरियात है समझना चाहिए। यह रिश्ता यकतरफा नहीं है, यह दो तरफा ताल्लुक है, और ताल्लुक में जो दो तरफा होता है और ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम सिर्फ समझेंगे नहीं, कुछ कुछ समझाएंगे भी। ये तारिक साहब, ये तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे सामने ना तारिक महमूद आ रहे हैं, उससे डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया मौका देने सर। फ्रैक्चर की स्पीड, उसके बाद आपके पैरा मीडियम फ्रैक्शन, ग्लूटर मीडियम फ्रैक्शन, और फिर अभी सवाल किया गया था तो आपने कहा कि कौन नहीं जानता कि फोर रिश्वर मस्टाइटिस के, लेकिन फोर मसाइट के, तो थोड़ी सी मैं समझने से कहा सुन, तो मसला है कश्मीर पाकिस्तान तहत साफ की हुकूमत की तरजीहत में कहाँ पर है पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि जो दाइश का मसला है उसके ऊपर गुजर एक साल से हमारा पार्ट आप इसे कह रहे हैं कि और मुख्य स्टेटमेंट्स आ गए हैं। आज भी जो रूस के तर्जमान है दफ्तर खारजा की, उनकी स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब अफगानिस्तान की एयर स्पेस है तो नेटो और अमेरिका के पास है, तो वो अपनी कैपेसिटी रही है दाइश का मसला कैसे पहुँच रहे हैं। क्या आपकी जो डिस्कशन की उसमें कहीं ये बात हुई है, ये इसको जो माइक पोम्पियो आ रहे हैं उनके सामने जो मसला आप उठाएंगे। और सर तीसरा छोटा सा ये था कि आप पाँच साल से अपोजिशन में थे, लेकिन आपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपका बार बार जिक्र किया और आपने सपोर्ट की है, अभी भी आपने उनका जिक्र किया, तो कोई पॉलिसी यकीन डिस्कस हुई होगी कि किस तरीके से उनको गेट किया जाएगा। देखिए जी, शुक्रिया। देखिए जहाँ तक कश्मीर का आपने सवाल उठाया है भैया, ये तहरीक इंसाफ का नहीं, इस इशू पर कौमी इत्तफाक राय है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर कोई हकूमत नहीं है और कोई हिजब इख्तलाफ नहीं है, वी आर ऑन द सेम पेज, और हमें होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। और मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मैंने तो दावत देना चाहूँगा, और देखिए मैंने पहले भी कहा कोई अकले कुल तो कोई नहीं, बहुत सी चीज़ें हम एक दूसरे से समझते हैं, सीखते हैं, रूस सीखते हैं। मैंने तो कहा कि जो हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उनको दावत दूँ, उनके साथ भी बैठूँ और उनके ख्यालात से और उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद हूँ। तो कश्मीर पर कोई इशू नहीं है, देर इज़ ए नेशनल कंसेंसस ऑन दैट, नंबर वन। आपके सवाल का दूसरा जुज था दाइश, दाइश की प्रेजेंस। ऑब्वियसली देखिए इस पे दुनिया की तशवीश, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि उनका फुटप्रिंट बढ़े, हमने देखना है और हमने उसको अपनी उस पर अपनी पॉलिसी मरतब करनी है। अब देखिए आज हमने उनके सामने इश्यूज रखे हैं, ठीक है, एक नशिस्त में आप इश्यूज रखते हैं, फिर उस पर डिबेट होगी, उस पर फिर एक चीज़ इवॉल्व करती है और इनपुट आएगा। तो एक नशिस्त में, पहली नशिस्त में आप इशू रख के फैसला नहीं कर लेते। आज उनके सामने बहुत सारे इश्यूज रखे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इम्कानात होंगे जिस पर हम पेशरफ्त करेंगे। मोहसिन साहब जी, जी भैया वो पॉलिसी कह रहे थे, आपने बता दिया पॉलिसी, अभी मैंने अर्ज किया ना, अभी तो पॉलिसी तो अभी मैंने तो कहा है कि हमने उनकी अहमियत और उनकी ज़रूरत को महसूस किया है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जैसे जिससे कि हम उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। ये मोहसिन साहब जी, और इसके बाद दो सवाल और मिनिस्टर एस्टू को मैं इसलिए कहूँगा, नहीं सब मुझे बिल्कुल आपका बेपनाह एहतराम है। मैं मास्टर डेविड हेल ने 6 बजे आना था तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपका सवाल Thank God that you are adapting and speaking bilingually. But the question is, in sheer violation of international and diplomatic decency, the State Department's spokesperson still stands by what Secretary, allegedly Secretary Pompeo, took up the matter with Prime Minister Imran Khan. After the clarification Dr. Tassel made, what Pakistan is left with the choice to give them is that diplomatic? Pakistan is a respectable state and Pakistan's Prime Minister never tells a lie, and the matter was not taken up for the terrorists operating in Pakistan.
Right. Now, hold on. Please, देखिए पहली बात, पहली बात ये देखिए. Supplementary act करने की जो पाकिस्तान जो है, अमेरिका का अपनी जगह मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हम उस statement से नहीं हटे. बिस्मिल्लाह, ना हटे. हम भी कायम हैं. हम भी कायम हैं. देखिए एक सेकंड. Let him. देखिए, please. You said there's an international audience. Yes, you're right. And I have been to schools where English was taught. And I'm a graduate of Cambridge University. So I can utter a few sentences in English. Why am I speaking in Urdu? Because mujhe apni zaban par fakhr hai. Ye meri zaban hai. Ye mera qaumi shanakht hai. Aur agar Cheen ke wazir e kharja jo mere saath hua karte the, badi zabardast angrezi bola karte the. Aur मैंने उनसे सवाल किया. मैंने कहा आप मुझसे चीनी में गुफ्तगू फरमाते हैं, फिर आपका इंटरप्रेटर उसका तर्जमा करता है, और जब मैं गुफ्तगू करता हूं तर्जमे से पहले आप जवाब देते हैं, बिकॉज ही न्यू इंग्लिश, ही इज वेरी फ्लुएंट. तो फिर भी वो अपनी कौमी जबान को तरजीह देते थे. मैं अभी इस पर अभी मैं तो संजीदगी से सोच रहा हूं कि मैं भी फॉरेन सेक्रेटरी से बात करूंगा, पता नहीं ये क्या कहते हैं लोग, ये बड़े तगड़े लोग हैं, हाँ, फॉरेन ऑफिस वाले. लेकिन मैं संजीदगी से सोच रहा हूं